लास्ट टाइम डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो ऑनलाइन क्लास के अंदर इंटरनेट नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा था आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां से उसको वापस स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस तरह से बनेगी और कैसे बनेगी बेटा। ठीक है, तो हम करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। देखिए आइसोलेटेड का मकसद हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आइसोलेटेड चार्ज का मकसद ऐसी चार्ज है जिसके सराउंडिंग में दूर दूर तक कोई और चार्ज एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसी चार्ज को हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखनी है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किस तरह से बनती है और कैसे बनती है। सपोज कर ले बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, अब अगर यहां पे इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस पॉइंट पी पे, यहां पे मैं पॉइंट पी कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है, अगर इस पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसको मैंने, इसका मैग्नीट्यूड भी देखना है और इसका डायरेक्शन भी देखना है कि इसका पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है या पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों चीजों को हमने देखना है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मकसद है फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि किसी भी चार्ज के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो हमेशा किसी चार्ज के ऊपर लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगाती है ड्यू टू द इंडक्शन, लेकिन वो फोर्स डिफरेंट होती है, कोई उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं होता। लेकिन अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने चेक करनी है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना है, तो हम उस मकसद के लिए एक चार्ज का सहारा लेते हैं और ऐसी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आप टेस्ट चार्ज के बारे में कहोगे कि ये जो होती है टेस्ट चार्ज का मकसद है कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विच इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखने के लिए जो हम एक छोटी सी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है ऑलवेज पॉजिटिव और दूसरी होती है वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है इसका। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज होती है ये पॉजिटिव हम रखते हैं
अब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों रखी जाती है। तो जिस तरह से एक घंटा जो होता है उसका टाइम ड्यूरेशन इतना क्यों रखा गया, एक स्टैंडर्ड होता है जो मेयरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर ही कोई रीजन नहीं होता कि 1 किलोग्राम का वेट इतना क्यों है, वो इतना क्यों नहीं है, इन चीजों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, जस्ट एक स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम फिक्स कर देते हैं। तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखी जाती है और इसका मैग्नीट्यूड सिंबल रखा जाता है। मैग्नीट्यूड सिंबल क्यों रखा जाता है, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेयर करना होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर टेस्ट चार्ज को हम बड़ा रखेंगे तो उसकी जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगी जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मेयर करना होता है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो इसकी नेगेटिव फील्ड को स्ट्रांग बना देगी और मेयरमेंट जो होगी वो रियल नहीं आ सकती। तो रियल मेयरमेंट के लिए जरूरी है कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हो वो वेरी स्मॉल हो, ताकि वो उस फील्ड को मुतासिर न कर सके जिस फील्ड की हम मेयरमेंट करते हैं। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इस तरह से लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो चार्ज होती है ये क्यू होती है, टेस्ट चार्ज को हम कहते हैं क्यू नॉट। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है वो हो जाएगी के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर अपन क्यू नॉट। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू अपन आर स्क्वायर। अगर कोई भी चार्ज एयर के अंदर है या वैक्यूम के अंदर है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते क्यू अपन आर स्क्वायर। और अगर ये चार्ज किसी और मीडियम के अंदर है, अगर ये चार्ज मीडियम के अंदर है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं 1/4πε0εr² q/r² और ये फार्मूला कहता है कि मीडियम डिक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मीडियम जो होता है वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर लेता है। डिफरेंट मीडिया के अंदर सेम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर। जो मीडियम ज्यादा पोलराइज होता है उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उतनी वीक हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होती है, कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रांग होगी। और तीसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, इसका मकसद है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। किसकी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आप ये नहीं समझिएगा कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि ये फार्मूला जो होता है ना ये सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम किया था, अब हम करते हैं इसका आगे वाला पोर्शन। तो ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ आइसोलेटेड चार्ज के लिए है और चार्ज्ड स्फीयर के लिए। ये जो हमने फार्मूला किया ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा ये इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी स्फीयर के लिए। अगर कोई स्फीयर चार्ज होता है, स्फीयर को चार्ज करते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी हर किस्म की चार्ज के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर होती है, तो मैग्नीट्यूड निकालना हमने देखा कि मैग्नीट्यूड उसका कैसे फाइंड होता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, और डायरेक्शन जो होता है उसके लिए भी हम क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनाते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय direction, direction of force on point charge, on test charge. किसी भी चार्ज के लिए नहीं होता, यहाँ पे टेस्ट चार्ज के लिए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन ऑफ जो है वो फोर्स का डायरेक्शन होता है आइसोलेटेड और सॉरी टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो हम टेस्ट चार्ज के ऊपर देखेंगे कि टेस्ट चार्ज के ऊपर वो जो फील्ड होती है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाती है। अगर वो फील्ड टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाती है, ठीक है, तो हम कहेंगे सॉरी आउटवर्ड फोर्स लगाती है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होता है, आउटवर्ड होता है। और अगर इनवर्ड फोर्स लगाएगी तो डायरेक्शन हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर यहाँ पे हम इस जगह पे देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे टेस्ट चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो टेस्ट चार्ज का के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ई पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, या आप इसको अवे कह दें या आउटवर्ड कह दें, कि जो पॉजिटिव चार्ज होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड माना जाता है। वो किसकी बुनियाद पे माना जाता है, टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के करीब रखेंगे तो टेस्ट चार्ज तो हमने लेनी है पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज जब पॉजिटिव लेनी है तो वो जब पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगी तो हमेशा फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगी वो आउटवर्ड करेगी। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि टेस्ट चार्ज का पॉजिटिव होना इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है,
इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ये जस्ट एक कन्वेंशन है कि हमने टेस्ट चार्ज जो लेनी है वो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से टेस्ट चार्ज लेते रहेंगे, कभी पॉजिटिव लेंगे कभी निगेटिव, तो निगेटिव के हिसाब से इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ट। तो हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, आउटवर्ड है या इनवर्ट है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए टेस्ट चार्ज को हमेशा फिक्स कर दिया गया कि टेस्ट चार्ज जो आपने लेनी है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ताकि हम ये तय कर सकें कि पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन जो होता है वो इनवर्ट होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, तो इसके अंदर अगर कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स इनवर्ट लगेगी। तो आप कहोगे कि जो ई ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ई ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड इनवर्ट, ये हमेशा जो होती है वो इनवर्ट होती है, अंदर की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ट होती है। तो इस तरह से हम टेस्ट चार्ज को जो है वो इस्तेमाल करके मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे अपने बुक के अंदर तीन तरीके दिए हुए हैं। जो पहला तरीका है वो टेस्ट चार्ज वाला होता है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है उसको सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करना, जैसे फोर्स को F इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट, तो ये हम अगर इस तरह से कहते हैं कि फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट में है तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है थ्रू सिंबल्स। लेकिन उसी वेक्टर को हम ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफ के ऊपर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन के ऊपर एरो देते हैं। तो जिस तरह से वेक्टर को एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि वेक्टर को ग्राफिकली हम लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जब वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लाइंस बनाते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कहोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड is vector quantity, electric field is vector quantity which is real, electric field and vector quantity are एक real होती है। ठीक है, और electric field lines जो होती है, electric field lines are imaginary electric field lines imaginary होती है। तो आप कहोगे इसकी डेफिनेशन होगी इमेजिनरी
लाइंस इमेजिनरी लाइंस जॉन इज इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप कह सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से की जाती है, वेक्टर पिक्चर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर पिक्चर के अंदर जब हम देखना चाहें, जब उसको फिजिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना चाहें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है जो नजर नहीं आती इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चीज नजर नहीं आती तो उसको हम एक इमेजिनरी सिंबल से ड्रॉ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो भी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है, और किसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो रियल सेंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं ना, वो थ्रू फील्ड लाइन्स हम बनाते हैं। तो आप कहोगे कि ये इमेजिनरी लाइन्स होती है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉ की जाती है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। आप ये भी कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज presented by Faraday. इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो था वो फैराडे ने पेश किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए बेटा, अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर के तौर पे हम किस तरह से बनाए? तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का होता है। तो अगर तो हम इस पॉइंट पे देखें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, तो ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा। डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाते जाएंगे तो पूरा स्पेस जो होगा वो वेक्टर से भर जाएगा। इस तरह से अगर हम इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टेस्ट चार्ज रखते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रिप्रेजेंट करते जाएंगे तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वेक्टर से भर जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आप लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो लाइन आप बनाते हैं टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे। तो टेस्ट चार्ज रखते जाओगे और वहां पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बनाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफिनाइट पॉइंट्स होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफिनाइट पॉइंट्स होती हैं और हर पॉइंट का एरो अगर आप अलग से बनाते जाओगे तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एरो से भर जाएगी और फिर आपको किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं लग सकता। तो आप कहोगे कि अगर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग से एरोस बनाओगे तो पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से एरोस से भर जाएगी और आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए भी फैराडे ने एक सलूशन दिया। फैराडे ने ये कहा कि आप ऐसा करें कि आप अलग अलग हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन न बनाए। आप ऐसा कर दे, अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो उसके बाद क्योंकि उससे डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, तो इस तरह से कंटिन्यूस लाइंस बनाते हैं। हर पॉइंट की अलग अलग आउटवर्ड लाइन बनाने से बेहतर है कि आप इस तरह से कंटिन्यूस लाइंस बना लें। और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन जो होता है निगेटिव चार्ज का इनवर्ड होता है, तो अगर इसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है तो इसके अंदर लाइंस का डायरेक्शन जो है वो कौन सा बना दे, इनवर्ड बना दे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन आउटवर्ड बना दे और निगेटिव चार्ज के अंदर लाइंस का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड बना दे। हर पॉइंट का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना बनाए, आप कंटिन्यूस लाइंस बना दे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जो वेक्टर होता है ना, जब आप उसको वेक्टर क्यों ग्राफ के अंदर जाहिर करते हो तो लेंथ ऑफ द लाइन जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को जाहिर करती है, और उसका जो एरो होता है वो किसको जाहिर करता है, डायरेक्शन को। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन या डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो एरो होता है, एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉइंट को इस तरह से आप समझें, अगर आपके पास एक चार्ज है और वो 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, ये 1 कूलम चार्ज है, इसकी लाइनें कम भी है और छोटी भी है। अगर इस तरह से आपके पास एक चार्ज है जो 1 कूलम से ज्यादा है तो उसकी लाइंस जो बनेगी वो लाइंस लंबी भी बनेगी और ज्यादा भी बनेगी। तो ये जो डेंसिटी ऑफ लाइंस होती है या जो लेंथ ऑफ द लाइंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर लेंथ ऑफ द लाइन कम है, अगर लेंथ ऑफ द लाइन जो होती है वो कम होती है तो या नंबर तादाद कम होती है तो इलेक्ट आप कहोगे कि चार्ज होती है वो कम है, और अगर लाइंस बड़ी होती है और उनकी तादाद भी ज्यादा होती है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है एट एनी सर्टेन पॉइंट। एनी सर्टेन पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय स्पेस बिटवीन लाइंस। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी बतानी है, अगर किसी भी सर्टेन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपने बतानी है, अगर किसी भी सर्टेन पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, सपोज करें हमारे पास एक पॉइंट पी है, अगर इस पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉइंट क्यू है, दोनों में से अगर आप देखें तो पॉइंट पी के ऊपर लाइंस के दरमियान स्पेस जो होता है वो कम होता है और लाइन क्यू के ऊपर स्पेस ज्यादा होता है, तो जहां पे स्पेस ज्यादा होता है वहां पे हम कहते हैं कि
इलिप्टिक फील्ड जो है वीक है, और जहां पे स्पेस कम होता है वहां पे हम कहते हैं कि इलिप्टिक फील्ड स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस न सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताती है, क्योंकि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, और जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड भी बताता है और जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन भी बताता है। इसलिए जो डेंसिटी ऑफ द लाइंस होती है, जो डेंसिटी ऑफ द लाइंस होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पेस बिटवीन लाइंस होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, और एरो जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। ये होती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है। अगर आपके पास वो यूनिफॉर्म फील्ड, अगर ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सपोज करें इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप पॉइंट पी बनाते और पॉइंट क्यू बनाते, तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पॉइंट पी पे भी स्पेस इक्वल होता है, पॉइंट क्यू पे भी क्या होता है, स्पेस इक्वल होता है। तो आप कहोगे कि ये जो होती है ये यूनिफॉर्म फील्ड होती है, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी चीज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है, इसको आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये मैं बेटा ऑनलाइन में ये शायद थोड़ा ब्लर नजर आएगा, यहाँ पे भी आ रहा है, तो फिर इसकी पिक्चर मैं आपको भेज देता हूँ, अभी समझा देता हूँ बेटा इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो चीजें बताती है, एक मैग्नीट्यूड बताती है और दूसरा डायरेक्शन बताती है। इसको डोर को क्लोज करते हैं, इसको बंद करते हैं। तो बेटे ये दो चीजें हमें बताती है, एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है और दूसरा जो हमें बताएंगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। अब इसका डायरेक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट इन द डायरेक्शन दैट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स के डायरेक्शन से तय किया जाता है। दे एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। इसका क्या प्रूफ है, इसका प्रूफ ये होता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज जो होगी वो इस तरह से कर्व में आके नेगेटिव चार्ज पे रुक जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकाल के कहां पे खत्म करनी है, नेगेटिव पे, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होती है, जब आप उसको पॉजिटिव चार्ज के करीब छोड़ोगे तो वो यहां से घूमती हुई कहां पे आके रुक जाएगी, नेगेटिव। इसका मकसद है जहां पे ये रुक जाती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लाइन खत्म हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म होने वाली होती है, बट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मकसद है जहां पे होती है वहां पे कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जहां पे ये होती है वहां पे कोई भी स्पेस नहीं होता खाली, लेकिन ये टर्मिनेटिंग होती है नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है, बाकी स्पेस में खत्म नहीं होगी। सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है और वैक्यूम है, अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज इंफिनिटी तक मूव करती रहेगी, जब तक किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में खत्म हो। अगर कोई चार्ज्ड फ्री स्पेस है,
जहां पे कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जो है वो ट्रेवल करती है? इंफिनिटी तक। अगर स्पेस है, वैक्यूम है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, तो वैक्यूम के अंदर अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज के पास में टेस्ट चार्ज छोड़ेंगे तो वो उससे रिपेल होती हुई कहां तक चली जाएगी? इंफिनिटी तक ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी निगेटिव चार्ज के सिवा खत्म नहीं होती, इंफिनिटी तक इसकी रेंज होती है। दे एक्सटेंड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्जेस। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज इन द केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। If two charges placed next to each other, the electric field direction is given by the tangent drawn at any point on the lines. अगर कोई सिंगल चार्ज होती है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से स्ट्रेट बनती है, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर पेयर ऑफ चार्जेस है तो इसके अंदर लाइन कर्व्ड होती है, देयरफॉर इसका डायरेक्शन किससे आता है? टेंजेंट से। ठीक है, अब ये जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस, दे डू नॉट स्टार्ट और एंड इन एम्प्टी स्पेस। ये मैं चीज आपको बता चुका कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकल के इस खाली खत्म नहीं होगी, ये हमेशा नेगेटिव में खत्म होती है, ये चीज आपके बुक में भी लिखी हुई। दे डू नॉट स्टार्ट और एंड इन एम्प्टी स्पेस, दीज लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप का मकसद होता है कि ये कभी भी सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लूप बनाएगी तो वो नेवर एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि सर्किल का कोई एंड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फॉर्म लूप्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर एंडिंग। ये डिफरेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंडिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर एंडिंग। ठीक है, दे अब ये जो होती है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस, दे डू नॉट स्टार्ट ऑन एंड इन एम्प्टी स्पेस, दीस लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, देयरफॉर दे एक्सटेंड टू इंफिनिटी। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये मैं आपको बता चुका कि अगर चार्ज बड़ी होती है तो उसकी लाइंस ज्यादा बनती है, और छोटी होती है तो उसकी चार्जेस कम बनती है। ठीक है, तो यही चीज कही गई यहाँ पे। फॉर आइसोलेटेड चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एट टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, एंड ऑन द अदर हैंड दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज। अकेली चार्ज की सूरत में जाएंगी भी इन्फिनिटी तक, आएंगे भी इन्फिनिटी से। द नंबर ऑफ लाइन्स लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। ये चीज भी हो गई। अब इसके बाद डेंसिटी ऑफ द लाइन्स। डेंसिटी ऑफ द लाइन्स का मैंने आपको बताया कि जितनी लाइन्स की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। और यही से कॉन्सेप्ट आता है फ्लक्स का, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। फ्लक्स इज द सेकंड मेथड टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई भी चीज चार्ज होती है ना तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा उस चीज से परपेंडिकुलर, इवन ये जो होती है ना निकलती भी परपेंडिकुलर है और इंटर भी परपेंडिकुलर होती है। इसका सिंपल मकसद आप ये समझ लें कि जब हम किसी भी चीज को चार्ज करते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस सरफेस से जिस सरफेस की होती है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोलराइजेशन का मैं आपको बता चुका हूं। No intersecting lines. Electric field lines कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती। जैसे suppose करें, अगर ये हमारे पास positive charge है और ये positive charge, इसकी लाइनें इस तरह से बनती है, ये intersect नहीं करती। अगर इन्होंने इस तरह से intersect कर लिया तो इसका मकसद है कि इस point पे two directions हो जाएगी।
दो डायरेक्शंस में, और दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं हो सकते हमेशा, एक होता है और ये इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती है और प्रेशर लगा के एक दूसरे को रिपेल कर देती है। एक जैसी चार्जेस एक दूसरे को रिपेल इसीलिए करती है कि ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती है, ठीक है। और इसके बाद जो यूनिफॉर्म फील्ड होती है, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो लाइंस बनती है उनके दरमियान स्पेस इक्वल होता है, और जहां पे क्लोजर चार्जेस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है तो ये एक दूसरे के क्लोज होती है, और जहां पे वीक होती है वहां पे एक दूसरे से दूर होती है। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, जब एक जैसी चार्जेस एक दूसरे के सामने आती है तो उनकी लाइनें एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाती है। इसको हम कहते हैं, देखिए लाइनों का डायरेक्शन अपवर्ड है और ये एक दूसरे को रिपेल किस तरह से करती है, इस तरह से। तो इनका जो इंटरेक्शन होता है उसमें ये जो रिपल्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जबकि अगर अपोजिट चार्जेस होती है, जबकि अपोजिट चार्जेस होती है तो अपोजिट चार्जेस की लाइंस एक दूसरे के अंदर श्रिंक होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इनकी लाइनें जब एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो वो लाइनें श्रिंक होंगी, और श्रिंक होने की वजह से वो चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी और ऐसा महसूस होगा कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो अपोजिट चार्जेस की लाइंस श्रिंक होती है और सिमिलर चार्जेस की लाइंस एक दूसरे को इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेटरल प्रेशर लगाती है, और उस लेटरल प्रेशर का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज है, पैटर्न में लगा देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। मुख्तलिफ चार्ज